नमस्ते, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीडियोस। विधानसभा चुनाव का समय है तो चर्चा भी विधानसभा पर ही करेंगे कि आखिर कौन सी सीट पर क्या चल रहा है, कौन सा दावेदार कमजोर है और किसका पलड़ा भारी है। जिसकी शुरुआत में आज हम बात करेंगे हांसी विधानसभा सीट की, जहां आखिर बार राजनीति ने नए दावेदारों के साथ नई अंगड़ाई ली है। नई इसलिए क्योंकि अब की बार हांसी से चुनाव लड़ने के लिए कुल 32 लोगों ने अपना नामांकन भरा है, जिनमें से 31 दावेदार वो हैं जिन्हें अब तक कोई भी अनुभव नहीं है, ना विधायक पद का और ना ही चुनाव लड़ने का। हाँ, 32वें प्रत्याशी जरूर है जिन्हें चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और विधायक पद का भी, और ये प्रत्याशी है भाजपा के, जिनका नाम है विनोद भ्याना, जो फिलहाल हांसी विधानसभा के सबसे तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि एक दो जगह इनका विरोध भी देखा जा रहा है, मगर मजबूत है और ऊपर से भाजपा लहर का फायदा भी इन्हें मिलने वाला है, तो इन्हीं का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। और ऐसे में जिक्र करें अगर बाकी 31 का, तो इनमें से कुछ दो चार प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में नजर आ रहे हैं, जिनमें से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश पंघाल, राहुल मक्कड़, प्रेम मलिक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज राठी का नाम शामिल है। इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश पंघाल को राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने अपनी तरफ से मैदान में उतारा है। यूं तो ओम प्रकाश जी को राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं है, मगर कांग्रेस का वोट बैंक इनके लिए बड़ा फायदा उभर कर सामने जरूर आ सकता है। बात करें राहुल मक्कड़ की, तो राहुल मक्कड़ 3 बार विधायक रह चुके अमीरचंद मक्कड़ के पोत्र हैं और अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेजेपी प्रत्याशी के रूप में। खैर, चुनाव लड़ने का अनुभव इन्हें भी बेशक न हो, मगर पारिवारिक छवि और दुष्यंत चौटाला के समर्थन के चलते ये कुछ कमाल जरूर कर सकते हैं। अगला नाम है प्रेम मलिक का, जो राजनीति से कहीं ज्यादा समाज सेवा में सक्रिय है। प्रेम मलिक पहली बार और आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में इन्होंने हांसी में साफ सफाई को लेकर एक अभियान भी चलाया था, जिससे ये लोगों की नजरों में खूब चढ़ गए और इसी वजह से जनता का भरपूर समर्थन भी इन्हें मिल रहा है। इसके बाद नाम आता है मनोज राठी का, आम आदमी प्रत्याशी है और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव मैदान में उतरे हैं और अक्सर हांसी में अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप प्रत्यारोप करके मीडिया की नजरों में बने रहते हैं। तो ये थी सिटी विक न्यूज की हांसी विधानसभा चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें अभी तक तोल मोल कर पलड़ा भाजपा के प्रत्याशी विनोद भ्याना का ही भारी है। मगर वो कहते हैं ना कि राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए और आंकड़े कब बदल जाएं, ये किसी को नहीं पता, और अगर ये आंकड़े बदलते हैं तो हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए